हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो हम पता लगाने वाले हैं कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है? आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं ये हम पता लगाएंगे। मेरे कलेक्टिव्स के बारे में क्या बातें चल रही हैं, आपके पीठ पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं ये पता लगाने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को, है ना, अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को। सो आई कॉल अपॉन माय डिवाइन एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स एंड ऑल माय एंजल्स। या ओके डियर एंजल्स, प्लीज गिव अस सम मोर डिवाइन गाइडेंस। Dear angels, please give us some more divine guidance. My dear angels, please give us some more. Okay. Master Buddha, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. ठीक है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मद गाया का कार्ड है। हो सकता है आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको मदर अर्थ को लेकर के थोड़ा और विजिलेंट होने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ थोड़ा और समय बिताइए, प्रकृति के साथ थोड़ा और समय बिताइए। ओके या ओके सो ग्रीन तारा का कार्ड आया है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, माय गॉश, आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है? आपको जो लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जो कोई भी आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे थे, है ना, उन लोगों के साथ आपको आपके कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है या और आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर, आपके जो आपने एक दायरा बना रखा है ना कि आपको इस लिमिट में रहना, आपको लिमिटलेस हो जाना है, आपकी कोई सीमा नहीं है, असीमित रूप से, है ना, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपार हैं अपने आप में, ठीक है? आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। मैं कितनी बार आपको बोलूं, ठीक है, आपके पास ये बिल्कुल डिवाइन क्लियर मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको। आपको उस लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कोई भी आपके प्रोटेक्शन शील्ड को भेद नहीं सकता, ठीक है? आपके आभा मंडल को, आपके शील्ड को कोई भी भेद नहीं सकता, नो मैटर वो कितनी भी ताकतवर नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है? ये बहुत क्लियर मैसेज आया है आपके लिए। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपको बोला जा रहा है ईश्वर के साथ, स्वर्ग से कनेक्शन स्थापित करिए, है ना? Ask and you shall receive। आपको प्रे करने के लिए कहा जा रहा है, आपको ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है कि ध्यान लगाइए, है ना, ध्यान में रहिए, ध्यान जरूर करिए, मेडिटेशन जरूर करिए, इनर जो है इनवर्ड्स जरूर जाइए। हम सब बाहर की दुनिया में, भौतिकता में तो बहुत दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बट हम इनवर्ड्स नहीं जाते। आपको शून्यता को प्राप्त करना है। जब आप अंदर से शून्य हो जाएंगे ना, तब आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं। जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, तब आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगर आपने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया और अब आपको ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है। यही बोल रहे हैं डिवाइन।
लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो कुछ सही लगता है आप वो करिए, आपको जो उचित लगता है आप वो करिए, ठीक है। आपको जीवन में बहुत सारी और भी नई सीख मिलने वाली हैं। आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, है ना, अच्छी बुरी। तो अभी आप आगे भी जीवन में कई सारी चीज़ें और भी सीखेंगे। तो ये आ रहे हैं डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अपने टैरोस से पता लगा लेते हैं कि आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, है ना। माय डियर एंसेस्टर्स डिवाइन्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को वापस वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज आई हों। सेंड बैक टू सेंडर, प्लीज़ सेंड बैक टू सेंडर। मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनके पास से भी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को वापस वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज आई हों। सो देखते हैं आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। ओके, एनर्जीज बहुत क्विक आ रही हैं। ओके, काफ़ी फास्ट एनर्जीज हैं। ओके, आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, आपके बारे में। ओके ओके, बॉटम ऑफ डेक इज ओके। कुछ लोग पहले डाउट में थे आपको लेकर के, अब उनको क्लैरिटी मिली है, अब वो कंफ्यूज नहीं है, आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं अभी बताते हैं। या ओके, ओके। तो यहाँ पे जो बातें चल रही हैं आपके लिए, आपको बोला जा रहा है कि आप काफी ज्यादा, आपके बारे में बातें चल रही हैं कि आप काफी ज्यादा मुकद्दर के सिकंदर हैं। काफी ज्यादा लड़ाइयां झगड़े हुए पास्ट में, बट आप उन चीजों को बाहर, उन चीजों से बाहर निकलते हुए ना, आपने समय को अपने पक्ष में करा है और समय आपके भाग्य आपके फेवर में है। आपको बहुत ज़्यादा लकी बोला जा रहा है कि आप बहुत लकी हो। आपके बारे में बातें चल रही हैं कि आप बहुत लकी हैं। और आपके बारे में ये भी बातें चल रही हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिवाइन का सपोर्ट है, यू नो, आपको काफ़ी ज़्यादा दैविक। ये बातें जिन लोगों के बीच में चल रही हैं, उन्होंने पास्ट में आपके आपके पैसों पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी और आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी में देखना चाहा। बेसिकली मुझे हेटर्स की वाइब्स आ रही हैं। या आपके कोई चाहने वाले लोग तो नहीं दिख रहे मुझे। हाँ, ये वो लोग हैं जो आपके बारे में चुपचाप से गॉसिप करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप काफ़ी लकी हैं, पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपने लड़ाइयाँ झगड़े भी करे, बट ये लोग बेसिकली ये बातें भी कर रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा भाग्य क्यों मिला, इतना आपके ऊपर इतनी कृपा क्यों बरसी, है ना। आपको ये लोग पापी समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा पाप कर रखे हैं, आपने आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। ये लोग अपनी अपने चश्मे से आपको देखते हैं। जो काले रंग का चश्मा पहना है वो, उससे आप इनको काले ही नजर आते हो, क्योंकि वो इनका खुद का चश्मा है, है ना। बेसिकली इनकी खुद की सोच है वो, ये खुद उस टाइप के हैं, इस वजह से ये लोग इस तरह के आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि ये लोग समझते हैं कि आपने काफ़ी पाप कर रखे हैं, है ना, आपको बुरा बनाना,
आपके बारे में ये लोग जो गॉसिपिंग करते थे। किसी लेवल पर मुझे लगता है आपने इन लोगों को गलत प्रूव किया है, और आप अपने मेहनत पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी अपनी चीज़ों को अचीव करने में लगे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, ये वो लोग देख रहे हैं। बट वो लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटीज़ है ना आपके बारे में, वो लोग नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं, क्योंकि उनका चश्मा, मैंने कहा ना कि उनके चश्मे का कलर नीला है या काला है, प्रभु की मूरत जिसको जिस नज़र से समझ में आती है तो उसको वैसी ही दिखती है। किसी को वो पत्थर दिखते हैं तो किसी को उसमें भगवान दिखते हैं, ठीक है। तो सेम वही बात है यहाँ पे, इन लोगों को आप में दिखता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा पाप कर रखे हैं, और वो आपको इस भाग्य के लायक नहीं समझते, है ना वो लोग, बट ईश्वर जानते हैं कि आप इस भाग्य के लायक हैं, है ना, आप वेल डिजर्व्ड हैं, आप पूरी तरह से इन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, इस भाग्य को डिजर्व करते हैं, एंड अचीवमेंट्स को भी डिजर्व करते हैं। ये लोग आपको, आप लोगों को बेपरवाह भी समझते हैं, आपके बारे में बात हो रही है कि आप काफ़ी बेपरवाह हैं, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज भी थे आपसे, कि आप लोग बेपरवाह टाइप के हो और ज़्यादा किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करते हो। एक्चुअली आपका बेपरवाह होने का कारण भी यही रहा ना, कि इन लोगों ने आप लोग के बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलाए हैं, काफ़ी झूठी अफवाहें फैलाई हैं, काफ़ी झूठ फैलाए हैं, जिसकी वजह से आप इन लोगों को लेकर के बेपरवाह हो गए। आपको अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है आपके पीठ पीछे, है ना, बेफिक्री, आपके अंदर एक बेफिक्री आ चुकी है। हाँ, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वी शुड बी लाइक अ किड, लिव लाइक अ चाइल्ड, लिव लाइक अ किड, बच्चों की तरह हो जाना चाहिए। जब कोई ज़्यादा फालतू की बातें करे तो उसको पूरी तरह से बेपरवाह हो जाओ, उस चीज़ की परवाह करना छोड़ दो, ठीक है। कुछ हद तक मैं देख रही हूँ ये लोग आपके बारे में जो धारणा बनाते हैं ना, जो गॉसिपिंग चल रही है, वो ये भी चल रही है कि आपको इन लोगों ने काफ़ी मनी माइंडेड बनाया। आपके बारे में ये बातें ये लोग करते हैं कि आप काफ़ी लालची टाइप के हो, पैसे के को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो, है ना, गुस्सैल, है ना, अज्ञानी व्यक्ति, लड़ाकू। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में इन्होंने धारणा बनाई हुई है। आपने जब कभी भी अपने हक की बात करी है तो इन लोगों ने आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया है हमेशा, और जो कि ये अभी भी इसी काम में लगे हैं, अभी भी कोई फर्क नहीं आया, बस थोड़ा सा ये लोग फिलहाल अभी इस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, दिशाहीन। इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंध चुकी है, और ईश्वर ने इन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, और इन्हीं के फेंके हुए जो गंदे इरादे थे ना, जो ब्लैक मैजिक्स और नेगेटिव एनर्जीज, जो भी इन लोगों ने जो भी गलत बातें इन लोगों ने आपके लिए करी है ना, वो 10 गुना होकर इन लोगों के पास गई है। नंबर एट की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये कर्मा है, ये मुझे शनिदेव की एनर्जी दिख रही है। तो उन लोगों का अभी हाल वही है जो उन लोगों ने आपका करना चाहा था फिलहाल। तो ये लोग जो गॉसिप कर रहे हैं ना आपके बारे में, इन लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके प्रति, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप कहीं से भी गलत हो, बस बिना किसी सर पैर की बातें बनाना और बातें करना। आपके बारे में बातें चल रही हैं कि आप लकी हो, है ना, बस भाग्य के धनी हो, अदरवाइज इन लोगों को आपकी मेहनत दिखती ज़रूर है, आपकी मेहनत दिखती है इन लोगों को, आप दिखता है बिल्कुल क्लियरली कि आप बहुत मेहनती हो, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये लोग दूसरों के आगे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
कि आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं बेसिकली इन लोगों ने आपकी जो छवि समझी हुई है ना वो ये समझी हुई है और आप वास्तव में हैं ये। आपके अंदर जो ज्ञान है ना वो दिव्य ज्ञान प्रवाह, दिव्य ज्ञान आपके अंदर दौड़ता है, ठीक है, ईश्वर का ज्ञान आपके अंदर दौड़ता है। उस चीज को समझने में ये लोग सक्षम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लोग उस नजर से आपको देखते हैं जो जो सोच उनकी खुद की है। वो लोग स्वयं अज्ञानी हैं, इस वजह से वो लोग आपको अज्ञानी मानते हैं। वो लोग स्वयं लालची हैं, इस वजह से वो लोग आपको लालची समझते हैं, ठीक है। वो लोग खुद लड़ाकू हैं, इस वजह से वो लोग आपको लड़ाकू बोलते हैं, ठीक है। वो लोग खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं, इस वजह से वो लोग आपको ड्रामा क्रिएटर बोलते हैं कि आप ड्रामा क्रिएट करते हो, जबकि आप तो मस्त मौला हो, मस्त मौला, आपको बेफिक्री के सरताज हो, आपको बेफिक्र रहना पसंद है, परवाह नहीं करते आप, बहुत मेहनती हो आप, ये सच्चाई है। और भाग्य आपका साथ देता है, आपके ईश्वर आपका साथ देते हैं, आपको यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं चारों तरफ, ये डिवाइन एंजल्स हैं, इन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, समय ने आपको देखा है कि आप कितने प्योर हो, इस वजह से समय आपके पक्ष में आया है, ठीक है। समय ने जो अपना पक्ष रखा है, ये समय साक्षात ईश्वर है, इन्होंने अपना जो पक्ष रखा है, इन्होंने आपका साथ इसलिए दिया है क्योंकि आप अपनी जगह करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, है ना। और आज ये लोग इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने ये सब कुछ सोचा है आपके बारे में। तो बहुत क्लियर कार्ड आए कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये लोग यही बातें कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का कुछ हम कर भी नहीं सकते और हमें करना भी नहीं है, इनको इनके हाल पर छोड़ देना है, ईश्वर यही कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाउनलोड्स लेते हैं ईश्वर के, देखते हैं क्या क्या यूनिवर्स के क्या क्या मैसेजेस आते हैं हमारे पास। यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे हम लोग आज, यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो आप। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, कोई ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, है ना, पर आप जब सामने जाते हो तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं आपसे। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, है ना, आपकी मदर से रिलेटेड या आपकी मदर इन लॉ से रिलेटेड कोई बात है यहाँ पे। यू बाउंस बैक, आप वापस से बाउंस बैक होते हो, आपको पीछे ढकेलते हैं लोग, पीछे खींचते हैं, आप वापस से बाउंस बैक होते हो, है ना, फुल फोर्स के साथ। फेस स्कार, किसी के फेस पर स्कार है, किसी के फेस पर निशान है, कोई मार्क है। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट सम फ्लावर, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फूल चाहिए, फ्लावर चाहिए, फ्लावर्स, उनको फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फ्लावर्स चढ़ाइए उनको, है ना, अपने एंसेस्टर्स को। फेक लेडी, कोई यहाँ पे फेक लेडी है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक लेडी है जो काफ़ी फेक है, ऊपर ऊपर से प्यार दिखाती है, अंदर से आपसे आपके लिए अच्छा नहीं सोचती है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, है ना, ये कोई आपके लिए लव मैसेजेस भी भेज रहा है बीच बीच में, यूनिवर्स चैनलाइज कर रहे हैं। जग घूमया तेरे जैसा ना कोई, कोई बहुत सारे सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाह रहा है। ओके, लव योर कॉन्फिडेंस, किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस, ईश्वर कह रहे हैं कि आपसे जिस किसी ने भी इस तरह की गलत भावना रखी है आपके प्रति,
उन्होंने रॉन्ग चॉइस करी है ना, आपके प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए उनको। एक बार मैं क्लेंस करना चाहूँगी ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़, प्लीज़ सेंड बैक टू सेंडर। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं प्लीज़ सेंडर के पास वापस चले जाइए। प्लीज़ क्लेंस माई चैनल, माई कलेक्टिव्स, मेरे कलेक्टिव्स के पास से सारी नेगेटिविटी वापस सेंडर के पास चली जाए, जिस किसी ने भी वो नेगेटिविटी उनके पास से उनके पास भेजी हो। लॉयल फीमेल, आप काफ़ी लॉयल हैं किसी के लिए, कोई आपके साथ बहुत लॉयल है, फेक लेडी है, एक लॉयल लेडी है, एक लेडी ईमानदार है, एक लेडी फेक है। शॉर्ट हेयर, किसी के शॉर्ट हेयर हैं, है ना, उनके हेयर कट शॉर्ट हो सकते हैं। समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जा रहा है, शॉर्ट हेयर है, फेक लेडी, कोई जेल जा रहा है। ओके, लेट्स सी। स्टीलिंग योर मनी, कोई आपके पैसों को, किसी की नज़र है आपके पैसों पर, कोई आपके पैसे चुराना चाहता है, स्टील करना चाहता है। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। सी, डबल कन्फर्मेशन आया है, कोई फेक है यहाँ पे, कोई ऐसी लेडी है जो फेक है, ढोंगी है, ढोंग करती हैं, है ना। हाँ, कोई लेडी या कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फेक है जो आपने पहचान लिया, आपको आपको दिखा उनके अंदर ढोंग, है ना, और आपने उनसे बात करना बंद किया। काइंड हार्टेड, आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के हैं, इसका फ़ायदा उठाया उन्होंने, फेक लेडी ने, है ना, फ़ायदा उठाया। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, आपके जीवन में चमत्कार आ रहे हैं, चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, चमत्कार को नमस्कार है, है ना। जब आपके जीवन में चमत्कार हो तो उनको नमस्कार ज़रूर करिएगा। लॉयल मेल, लॉयल मेल, कोई आपके लिए बहुत ईमानदार है, कोई मेल है बहुत ईमानदार है आपके लिए। वॉन्ट टू स्टील योर मनी, आपके पैसों पर किसी की नज़र है, ये डबल कन्फर्मेशन आया है, आपके पैसों पर किसी की नज़र है, कोई फेक लेडी है, उसकी नज़र है आपके पैसों पर। गोल्ड डिगर, ग्रीडी, लालची, है ना, लालची, हक मारने वाली कोई लेडी है। एक और ले लेते हैं, स्पिरिट्स कह रहे हैं थ्री मोर, तीन और लेने हैं। जेलस फीमेल, फेक लेडी, जेलस फीमेल, शॉर्ट है, गोइंग टू जेल, गोल्ड डिगर। ओके, यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत पर आपसे किसी आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है ना, उनको इंसानियत पर भरोसा हो रहा है कि यस इंसानियत है इस दुनिया में, आपके वजह से उनको बिलीव हो रहा है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ओके, एक और लेंगे। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग, आप ईश्वर के चुने हुए बहुत ही पावरफुल बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ही पावरफुल सोल हैं, आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है कि आप ईश्वर के चुने हुए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बच्चे हैं और ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम ले लेंगे कुछ इनिशियल्स। फेक लेडी, फेक लेडी कौन है, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या वर्ड्स बन रहे हैं। ओके ओके,
That's it. See, let us see. A, C A. Letter S, C A S. I, letter I. लेटर टी, ये किसी का भी इनिशियल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, है ना? आपको पता होगा कहाँ पे ये आपके लिए स्पेसिफिक हो रहा है. लेटर एल, ओके. एच, एच. बी, W, W, X, letter X, L twice आया है, one more L, K, P, 8, लेटर एट दिख रहा है. फोर 3 48 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है. 34 एज हो सकती है. 38 हो सकती है. कोई 83 बॉर्न है, 1983 1984 बॉर्न. लेटर एट स्पेसिफिक आ रहा है, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. लेटर 17 26. ओके, आई एम लिसनिंग. आई ए एस, कोई आई ए एस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है कोई, है ना? या फिर आई ए एस की तैयारी कर रहे हैं. आई एम लिसनिंग आई सी एस, आई सी एस. ओके, ब्लैक, ब्लैक मैजिक या ब्लैक, बी एल के, बी एल ए सी के, या पूरा ब्लैक. कंफर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, है ना? ये दिख रहा है आपको ब्लैक. तो इन लोगों ने कुछ ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं पर. ओके, 88 1988 88 किसी का ईयर हो सकता है, उनकी एज हो सकती है. 1988 बर्थ ईयर हो सकता है. ओके, हेक्स, किसी ने कुछ कर्स किया, हेक्स किया. ओके, सिट. स्टिक, कुछ छड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, कोई छड़ी लेकर चलता है. स्टिक, पिक, कुछ उठाने की बात हो रही है. पिक्चर, आई एम लिसनिंग पिक्चर. प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड है, कोई कह रहा है प्लास्टिक. हैप्पीनेस, आई एम लिसनिंग हैप्पीनेस. ओके,
ललिता, किसी का नाम ललित या ललिता हो सकता है, ललिता, ललित। प्रकाश, ओके, कपिल, आई एम लिसनिंग, कपिल, कपिल किसी का नाम हो सकता है, केसी या स्टेसी, स्टेसी किसी का नाम हो सकता है, विच, ब्लैक मैजिक विच या WITCH, विच, या पूरा आया है, कोई यहाँ पे विच है, कोई विच है यहाँ पे, ब्लैक ब्लैक विच, ब्लैक मैजिक करती है विच, काला जादू करती है ना, ब्लैक मैजिक विच, ये निकल के आया है यहाँ पे, फेक लेडी, SL P या SL, ये हो सकता है आपको सोते टाइम अटैक करती हो, आप जब सो रहे हो तब अटैक करती हो, स्लीप, हाँ, ब्लैक विच, स्लीप, एक्स, एक्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है, अब आपने बात करना अभी बंद किया हुआ है तो एक्स या ओके, स्पेलेक्स, आई एम लिसनिंग, स्पेलेक्स, एक्सपेल, ओके, एक्सपेल, आ ओके ओके ओके, स्पिरिट गाइड्स जो मुझे बता रहे हैं, एक्सपेल, एक्चुअली ये जो विच है, जो भी ब्लैक मैजिक करती है, इसके करे हुए सारे जो ब्लैक मैजिक है ना, वो एक्सपेल हो गए हैं, वापस चले गए हैं, जहाँ जो कुछ भी उसने किया था वो सब कुछ वापस जा चुका है, बिल्कुल क्लियर स्पिरिट गाइड्स ने मैसेजेस दिए हैं, है ना, या 62 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे, बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है फ्रेंड्स, सो आपको केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करना है, ब्लैक विच, एक्सपेल, उनका जो स्पेल वर्क है वो वापस जा चुका है, उन्हीं के पास वापस चला गया है, और मैं और ज़्यादा क्लेंस कर देती हूँ आपका ऑरा, कि जो कुछ भी बची कुची रही सही नेगेटिव एनर्जी हो वो भी भाग जाए आपके पास से, और वापस जाकर जिस किसी ने भी वो भेजी हो ना, उस फेक लेडी या जो भी है उसके पास जाकर ही उसके सर पर ही गिरे धड़ाम से, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, गिविंग मी लव, एंड आई लव यू ऑल, एंड इसके साथ ही मैं सारी पोल खोलती रहूंगी, जो कोई भी आपके पीठ पीठ पीछे जो भी बातें कर रहा है उसकी पोल खुलेगी, एंड जिस किसी ने भी आप पर स्पेल वर्क किया है उसकी भी पोल खुलेगी, ठीक है, तो अपनी डिवाइन चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इसी तरह से मैं भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आप सबके लिए भेजती रहूँगी, आई लव यू ऑल, एंड आई विल ऑलवेज प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, थैंक यू.